हेलो मित्रों, जो ग्रुप डी का आज 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका, मेरे पास जितने भी जीए के क्वेश्चन आए हैं, बाकी के मैथ के रीजनिंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम उन्हें यानी कि अगर आप वैसे एनालाइज के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। चलिए मित्रों, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और जो भी हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि यानी कि अब आपको क्या ज़रूरत है, किस तरीके से, कैसा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, थोड़ा पेज पे है, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो बस क्वेश्चन से मतलब है। स्वस्थ मनुष्य का यानी कि कितना ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फारेनहाइट अगर पूछ दे आपकी बार तो 98.4 या 1 से, यानी कि जो भी है इतना 98 सही रहता है। ठीक है, मानव शरीर में कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जो हरगोविंद खुराना, जो भारतीय मूल के थे, अमेरिकी। चाय में एसिड होता है टैनिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर कॉफ़ी में पूछ दे क्या होता है, कैफीन होता है, तो अगली बार कैफीन का ऐसे याद करके चलना है आपको। अगला है कि रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों किसका किया जाता है? स्पेगनोमीटर। इलेक्ट्रॉन बंधता सबसे अधिक किस में होती है? तो मित्रों ये होती है कैल्शियम, या ऑप्शन में फ्लोरीन, जो भी हो तो आप लोग इस माध्यम से कर सकते हो। और मित्रों जो न्यू फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करते चलिए, और आप लोग भी लाइक किया करो, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी। चलिए, आज़ाद बचपन की ओर ये किसने लिखी थी? ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं। तो मित्रों यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि कैलाश सत्यार्थी कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, जो अभी न्यू लेटेस्ट अपडेट। सोडियम में पानी को मिलाने पर गैस निकलती है, कौन होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। किस देश में कनाडा के साथ व्यापार रोका है? तो ये किसने रोका है? सऊदी अरब ने। ये अभी लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन था। अगला है मित्र, हाल ही में भारत का वित्त सचिव कौन है? हसमुख अढ़िया को किया गया है। डोलोमाइट अयस्क है कैल्शियम का। तो मित्रों यानी कि डोलोमाइट पूछा आप, यानी कि पूछ दे लोहा का, हेमेटाइट, बॉक्साइट किसका, तो यानी कि अयस्क है, जैसे गैलेना किसका है, तो आपको ये चीज़ देख के चलना है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता, तो अध्ययन यानी कि फाइकोलॉजी किसका होता है? कवक का। तो यानी कि इस तरीके से आपको सारे। ब्लड में आयरन 30 से 40%। और अगला है जीवन बीमा संबंधित है किससे? तेलंगाना से है। आधुनिक आणविक सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन ने। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसने? प्रोफेसर संग घोष को दिया गया, प्रोफेसर। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, हमें जितने प्राप्त हुए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हो गए। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। अगर पूछ दिया जाए सबसे हल्की लिथियम आ जाएगी। और मित्रों राज्यपाल से पूछे जा रहा है, वो सीएम से, तो आज पूछा गया कि हरियाणा के सीएम, मैंने पिछले भी कमेंट में मैंने बोला था तो वो मेरा सही हो गया, मैंने एक्सपेक्टेड बोला था कि अब की बार हरियाणा के पूछा जाएगा, तो कौन है? सत्यव्रत। ठीक है, नारायण सत्यव्रत हैं। तो यानी कि इस तरीके से अगर बाकी के, यानी कि आप लोगों के जैसे अभी छत्तीसगढ़ की यानी कि मर गए हैं, तो उनकी जगह यानी कि जो मध्य प्रदेश की हैं उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के चाहिए। थैंक यू मित्रों, लाइक एवं सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए।